Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number 143. And we are going to talk about stay grounded in stressful moments. Actually, stressful moments, liye ek trial period Just make it Our mind can react differently. And we might go under the situation of amygdala hijack. So we have to be careful about it. Jab hum इन चीजों को स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में एनालाइज करें जब हम सिचुएशंस को स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में देखें एंड द दिलाजैक इज टेकिंग प्लेस उस वक़्त हमारा जो रैशनल माइंड है इट माइट बी नॉट एबल टू एनालाइज द थिंग्स इन ए राइटफुल मैनर उस सिचुएशन में देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू गो फॉर देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल दैट इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन इज एन असेंशियल लाइफ स्किल कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपने जज्बात एहसास को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और ये जिंदगी का पार्ट है कि जिसमें कि हम मुख्तलि तरीकों से सोचते और रिएक्ट वो करते हैं द सेकेंड थिंग यू नीड टू कम अप विद इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग एज सुन एज यू आर हैविंग सम इमोशन विच इज़ नॉट एक्चुअली डिजायर्ड तो वट यू कैन डू यू कैन स्टॉप एंड ब्रीद जब आप स्टॉप एंड ब्रीद करेंगे तो उस वक्त आपका माइंड कैन हैव अ गैप of relaxation can have few moments to readjust realign itself and that hijack can stop actually happening over there the third thing what you can do awareness you can ask different questions to yourself for example because आप different questions आपका माइंड दोबारा कॉन्शियसली ऑपरेट करना शुरू कर देगा और आप उस इमोशनल हाईजैक से बाहर निकल पाओगे अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस यू हैव टू एक्नॉलेज देम यू हैव टू अंडरस्टैंड देम यू हैव टू नो कि आपका ये जज्बा क्या है और अब उसको आपने टैकल कैसे करना है अ ग्लास ऑफ वाटर अ डीप ब्रेथ अ टाइम ऑफ पॉज ये तमाम चीजें वो टेक्निक्स हो सकती हैं कि जिससे कि आप अपने आप को रिकनफिगर करने में अपनी कैपेबिलिटीज को दोबारा बुरुएकार लाने में मदद हासिल कर सकते हो रिमेंबर थिंग कि जब आपको अपने हाइजैक को टैकल करना है आपको अपने कॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियशियस प्रस्पेक्टिव को दोबारा से लेकर आना है तो उस वक्त रियलाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस सिचुएशन वुड ऑल्सो पास ओके बिकॉज नथिंग इज फॉर एवर हर सिचुएशन हर हर प्रॉब्लम वो कभी ना कभी खत्म जरूर हो जाएगी सो so, अपने अंदर ये इरादा रखिए अपने अंदर ये प्रस्पेक्टिव कायम रखिए कि दिस सिचुएशन वुड पास और जब आप ये समझ पाओगे तो उससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग वो ट्रिगर करेगी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इन्वेस्टिगेट करो अपनी सोच को आप ये आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से स्टिमुलस हैं जो आपको टिकल करते हैं वो कौन से स्टिमुलस हैं जो आपके लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी कॉज करते हैं और जब आप उनको जान पाओगे तो तब आप उनको टैकल करने के बारे में भी अपनी स्ट्रेटेजिक वो जनरेट कर सकोगे Likewise, remember that you have to trust yourself. आपको अपने अंदर खुद इतमादी वो लानी होगी यू हैव टू कम योर सेल्फ दैट यस आई कैन डू इट बिकॉज जब तक आप खुद सरेंडर करते रहोगे अपने जज्बात के आगे अपने आप को उस वक्त तक आप इस काबिल नहीं हो पाओगे कि आप सिचुएशंस को टैकल वो कर सको सो अपना अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर आने के लिए अपने जज्बात को समझना वो जरूरी है लाइक वाइज रिमेंबर के आप बाजुकात इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हो कि जिसमें छोटे छोटे आर गोइंग टू अफेक्ट यू अलॉट सो यू हैव टू क्लियर अबाउट योर लिटिल प्रेशर्स यू हैव टू नो कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको किसी एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन टेंशन बर्नआउट में लेकर जाते हैं बिकॉज हमारे लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहना है उन चीज़ों के बारे में जरूरी जिनको हम छोटा परस्पेक्टिव समझते हैं बिकॉज वो छोटा छोटा जो एस्पेक्ट है वो बाजुकात हमारे लिए बहुत बड़े रिएक्शन और आउटकम्स वो जनरेट कर देता है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि जिंदगी के अंदर पेश आने वाले मामला वो सेंसिटिव हैं और हमें कॉन्शियस लेवल के ऊपर उनको अंडरस्टैंड वो करना चाहिए और एक और बहुत अहम चीज़ यह है के जिंदगी के अंदर जो स्मॉल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में केयरफुल रहना बहुत जरूरी है बिकॉज वो स्मॉलर एस्पेक्ट बाजात एक्यूमुलेट होकर बिगर डिसीजन का रूट कॉज वो बन जाते हैं